वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएन व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरी इससे पहले की दो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियोस और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मेरे पास कुछ खास टॉपिक तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आपको अपनी स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। या कुछ इंटरेस्ट तो आपको बिल्कुल नहीं होगा मेरी इन बातों का, बट चलो बता देते हैं, बताने में क्या जाता है ना। मेरी स्कूलिंग के बारे में बताती हूँ मैं आपको। मैंने जैसे कि फिफ्थ तक मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, कुल्लू प्राइमरी स्कूल में, और उसके बाद मैंने प्लस टू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स से की हुई है सुल्तानपुर स्कूल से, और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, बीएससी की हुई है मैंने मैथ्स में, वो की हुई है मैंने जीडीएस कुल्लू से, और उसके बाद मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया हुआ है, डीसीए किया हुआ है, वो किया हुआ है नाइलेट के थ्रू, कुल्लू से ही किया हुआ है वो भी। उसके बाद मेरा मैंने उसका एंट्रेंस दिया हुआ था, जेबीटी का एंट्रेंस दिया था, उसमें गवर्नमेंट में आ गया था नंबर, और मैंने 4-5 मंथ्स की जेबीटी की, देन मैं पोस्ट ऑफिस में आ गई, पोस्ट ऑफिस का रिजल्ट निकला, देन मैं पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया। बट मेरे को लगता है ये मेरा सबसे गलत डिसीजन भी बोल सकते हैं, अच्छा डिसीजन भी बोल सकते हैं। गलत डिसीजन इसलिए क्योंकि मेरा गवर्नमेंट में नंबर आया था, तो अगर मैं थोड़ी उसमें हार्ड वर्क करती तो मे बी चांसेस तो थे लगने के, जीबीटी टीचर लगने के चांसेस थे। और अच्छा इसलिए क्योंकि आजकल कोरोना टाइम में तो आप सभी को पता है कि जॉब मिलना इस टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो इस तरह से मेरे को लगता है ये डिसीज़न मेरा कुछ हद तक ठीक भी था, और ठीक है, अब नॉर्मल है, अच्छा है, सब कुछ है। क्योंकि अगर मैं उस टाइम ये डिसीज़न नहीं चूज़ करती तो इस टाइम मैं अभी ब्लॉगिंग नहीं कर रही होती, मे बी शायद मैं स्टडी कर रही होती, या किसी कॉलेज में होती, या ट्यूशन टीचर होती, या ट्यूटर होती, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने, मेरे को लगता है मेरा डिसीजन थोड़ा ठीक था, क्योंकि कोरोना टाइम में आप सभी को पता है कि कितनी मुश्किलों से लोगों ने अपना गुजारा किया हुआ है, खाना ये वो, तो उस टाइम मेरे को थैंकफुली कि मेरे को ये सब दिक्कतें नहीं आई, तो ठीक है। मेरे को लगता है किसी हद तक ये डिसीजन मेरा ठीक है, बेस्ट भी बोल सकते, अच्छा डिसीजन था मेरा। 2000 years later मैं आज मम्मी के घर आई हुई हूँ, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि दिल्ली गए हुए थे तो आज आए, तो मैंने सोचा चलो इनसे बात कर लेते थोड़ा, काफ़ी टाइम बाद मिले तो मैं मम्मी के घर आई हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग वगैरह कर पा रही हूँ ईजिली, ताकि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। और फिलहाल इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, अगर कुछ आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यहाँ पे मम्मी है वो ऐसे देख रहे जैसे फर्स्ट टाइम उनके सामने मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी ज्वाइन किया तो उतना नॉलेज भी नहीं है, तो अगर आपको कुछ लगता है कि गलत बोला है या गलत कुछ कमी है तो आप मेरे को प्लीज़ बताएं, कि कमेंट करें कि ये गलत है, ऐसा करना ये वो, तो आप हमें गाइड भी करते रहना। थैंक यू।